हिमाकाली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। और ये देखे, इसमें कढ़ाई में चाशनी बनाया गया, ये चाशनी का घोल जो डाला गया। देखिए ये चाशनी का घोल ये मशीन में डाला गया है। और नीचे में देखिए गैस का फ्लेम है जो अभी जल रहा है। ये आपका ज़्यादा देर नहीं, जब ये चाशनी रेडी किया जाएगा तो गैस का जो ओवन है बंद कर दिया जाएगा। इसका सिस्टम जान लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये सिस्टम जानना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है कि जब हम घोल जो बनाते हैं वो घोल को हॉपर में डालने से पहले हम गैस का जो फ्लेम है, ये देखिए गैस है, ये गैस का बर्नर जलाना पड़ता है। ये इसी तरह जलेगा और इसी तरह गर्म रहेगा। देखिए किस तरह प्रकट किया जाता है। अब मशीन देखिए कितना लंबा है, 20 फुट लंबा है ये मशीन। तो देखिए गैस बंद हो गया, गैस बंद कर दिया गया। देखिए गैस बंद कर दिया गया और इसके बाद देखिए अरंडी का तेल, इसमें अरंडी का तेल डाला जाता है। और देखिए इसके बाद इसको थोड़ा सा मिलाना पड़ता है तेल को। मिलाने के बाद ये तेल के साथ गर्म किया जा रहा है। देखिए चालू हो गया, ये फिल्टर है। अरंडी का तेल डालने के बाद ये फिल्टर चलाया जाता है। अब फिल्टर देखिए कितना अच्छा आपका झाग निकाल देगा। ये हाइड्रोलिक जैक फिट किया हुआ है, अंदर में हाइड्रोलिक जैक फिट किया हुआ है, ऊपर आपका उठते रहेगा। बहुत ही अच्छा शानदार एक साइज में ये बता सा कितना अपना ढेर निकल रहा है। देखिए स्टार्टिंग कैसा आता है, ढेर बताता हो गया।
बहुत जबरदस्त आया मशीन एकदम पूरा नया, फिर भी देखिए कितना ढेर हो गया एकदम, और एक साइज में आपका पता सा निकल रहा है और सफेदे में निकल रहा है। ये दादा लोग राजस्थान से आए हुए हैं मशीन लेने के लिए बहुत दूर से, और अच्छा क्वालिटी में निकला।